सारे के इस मैदान के साथ इतिहास जुड़ा है। भारत के दृष्टिकोण से देखें तो फिर सबसे पुराना अभी भी इस्तेमाल होने वाला है ये क्रिकेट स्टेडियम। अगर मैं कप्तान होता और टॉस जीतता तो बिना सोचे हेड्स चुना है कप्तान ने, एंड टेल्स इट इज। बैटिंग फर्स्ट, बड़ी एडवांटेज है, बड़े स्कोर में तब्दील करना चाहेंगे डिसएडवांटेज। फील्डिंग टीम मैदान पर पहुंच गई है, बल्लेबाज भी आगे की तरफ चल रहे हैं, दोनों ही टीम कॉन्फिडेंस नजर आती है, तो फिर अच्छे मैच की है उम्मीद। आज अच्छा तो अंजाम अच्छा, आज उम्मीद यही है कि सलाम नेक्स्ट प्लेयर को थमाई गई है। अब गेम का मौका, लेकिन कैच छिटका।
वैसे तो इनके नाम के आगे मीडियम पेसर लिखा है, वंडरफुल स्टेप, सही ठिकाने पर गेंद, बल्लेबाज खामोश, थोड़ा नाजुक हाथों से खेला ऑन साइड की दिशा में और कितना आसान बना देते हैं ये बैटिंग, चीते को पीछे छोड़ दें, इतनी तेज भागा ये बल्लेबाज, दो दो हाथ करने की मंशा से आए हैं मैदान पर, दुक्के के साथ किया है आराम, कलाइयों का कलाकार है ये खिलाड़ी, पैरों पे अगर डालोगे गेंद तो रन बटोरेगा, ये अंडरस्टैंडिंग तो अच्छी थी ही लेकिन उससे भी बेहतर भागने की गति, लेकिन अंपायर इंप्रेस्ड नहीं, नॉट आउट का किया है फैसला, बढ़िया जजमेंट, तेज रनिंग, बढ़िया रन बटोरा बल्लेबाजों ने, फुर्ती से भागना होगा अगर जीवित रहना चाहते हैं तो, एक को किया दो में तब्दील, दो के साथ कप्तान ने ये डिसाइड किया है कि अब आक्रमण होगा मीडियम पेसर्स के द्वारा, थोड़ा नाजुक हाथों से खेला ऑन साइड की दिशा में और कितना फील्डर और गेंदबाज का अच्छा तालमेल, बढ़िया थ्रो, उत्साह भी है, विश्वास भी है, विकेट मिलने की आस भी है लेकिन अंपायर ने कहा नॉट आउट, पैरों पे गेंद, कलाइयों को मोड़ा, बढ़िया लेग ग्लांस, टाइम वेस्ट नहीं किया, बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स, हल्का सा शफल किया और गेंद को लेग साइड में भेजा, बहुत ही फाइन खेला इस पैडल स्वीप शॉट को, मिलेंगे रन्स, चीते को पीछे छोड़ दें, इतनी तेज भागा ये बल्लेबाज, ऐसा लगा जैसे गेंद गायब ही हो गई हो क्योंकि बल्ले से तो सटी गेंद, डॉट गेंद, बढ़िया फुटवर्क, कलाइयों की कलाकारी, फ्लिक, जीत किसी को मिली हार, मुकाबला देखें तो रहा ये बहुत ही क्लोजली कॉन्टेस्टेड गेम, जीतने वाली टीम को बहुत सारी शुभकामनाएं, सामने वाली टीम ने नेस्तनाबूद कर दिया आपकी टीम को, यू हैव टू टॉफ योर हैंड, कहिए वेल प्लेड और अपने खेल पे थोड़ा सा और दीजिए तवज्जो, मैच विनिंग प्रदर्शन पूरी तरह से मैच को किया अपनी टीम के पक्ष में, मैन ऑफ द मैच अवार्ड उन्हीं के पास।